मेरे बालों पे मत जाओ, अभी हम लोग जो जा रहे हैं लंच के लिए, तकरीबन 6 से 7 सालों के बाद गोलबाड़ी आ रहा हूँ। मैं राजीव का वेट कर रहा हूँ, मेरे को लगा था कि राजीव पहले रुकेगा, बट कॉफी अच्छे, गाजर अच्छे, बीट अच्छे, कच्चा लौंगा अच्छे, कैप्सिकम अच्छे, कच्चा लौंगा, बादाम बादाम गंडा सुने जो बादाम। मेरा चेहरा देख के आपको लग रहा होगा कि मैं रात भर सोया नहीं हूँ, बट मैं सोया हूँ, बट एडिट करने के बाद, और एडिट करके मैं सोया हूँ तकरीबन, तब बजे थे 3:30 या 4 के आसपास, तो सोच सकते हो कि कितनी मेहनत लगती है। खैर कोई बात नहीं, इतना मेहनत आप लोगों के लिए करना बनता है। सो नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसा है आपका हाल चाल? आई गेस यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, सभी खैरियत से हो, अच्छे हो। और हाँ, जो मैं कल बोल रहा था ना कि एडिडास का जो है ड्राई फिट एक स्किनर लिया था राइडिंग जैकेट के अंदर पहनने के लिए, तो वो ये है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, फिट लग रहा है और जच भी रहा है काफ़ी, हाथ के पास ऐसा है तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे पहन के। और ये रही है, इसका स्किनर भी इसने पहन लिया है, तो फिलहाल जो है अभी जाएंगे, रेडी होंगे, रेडी होकर निकलेंगे फटाफट, क्योंकि पहले इसको ऑफिस ड्रॉप करना है, उसके बाद का राइड का प्लान है, तो वो मैं बताऊंगा आगे। तो फिलहाल मैं चलता हूँ और रेडी होता हूँ। जो अंदर में जो थर्मल लाइनर है ना, वो थर्मल लाइनर जो है काफ़ी प्रोटेक्टिव है, और वो थर्मल लाइनर की वजह से ठंडा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे को ना नीचे के भी इतना ठंडा क्यों लगता है यार? नीचे में मतलब पैरों में बहुत ठंडा लगता है, पैरों में बहुत ठंडा लगता है यार। और यहाँ पे ना कलकत्ता में कभी ऐसा होता नहीं था कि मकर संक्रांति के बाद भी इतनी ठंड हो, लेकिन आजकल के डेट में तो देख रहा हूँ कि बहुत ठंड है। और हाँ, जो स्किनर लिया वो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया फिट आया है, मैंने बहुत ही कंफर्ट फील कर रहा हूँ, बहुत ही फ्री फील कर रहा हूँ। मेरे बालों पे मत जाओ, अभी हम लोग जो जा रहे हैं लंच के लिए, मैंने बोला था ना, और धृति जो है वो आ गई थी, और ये रहा राजा, इसके चैनल का नाम है हाय कोलकाता का लोफर, कोलकाता का लोफर, तो ये भी अभी ब्लॉग बना रहा है, तो इसके भी चैनल को प्लीज़ फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं लंच के लिए, तो लंच का हम लोगों का, अगर हम लोग शाम बाज़ार आए हुए थे क्योंकि मेरे को निकलना था और सोनाली को जाना स्टैंडर्ड की तरफ, तो इसीलिए हमने सोचा कि गोलबाड़ी से लंच करते हैं और लंच करके निकलते हैं। तो गोलबाड़ी का बहुत दिन हो गया हम लोग खाए हुए, तो अभी फिलहाल गोलबाड़ी जा रहे हैं और गोलबाड़ी में जाके दिखाते हैं क्या ऑर्डर किया और क्या क्या हम लोग खाएँगे। तकरीबन 6 से 7 सालों के बाद गोलबाड़ी आ रहा हूँ और मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये रहा राजा, ये रहा प्रिंस, सोनाली, धृति, तो 7-8 बच्चों पहली बार आ रहा है, इसका पहली बार है, इसका भी पहली बार है, मैं राजा और प्रिंस, हम लोग आ चुके हैं, हम लोग वहाँ से निकलेंगे कहाँ डल, तो निकल के खाना खाएंगे और बोल रहे हैं कि गोलबाड़ी के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो हम लोग अभी ब्लॉग यहाँ पे बंद करते हैं, खाते हैं और खाके यहाँ से निकलते हैं फटाफट। अभी खाना खाने के लिए आए हैं और खाना जो है पराठे और मटन, और मस्त बनता है यहाँ पे खाना, तो अभी हम लोग खाएंगे और खा के फटाफट यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि लेट, अगर ज़्यादा लेट किया तो फिर हम लोग को वापस दौड़ने में लेट हो, तो यहाँ से खाते हैं। और कल का भी एक प्रोग्राम है, परसों का भी है, तरसों का भी है, बस अभी 3-4 दिन अभी मस्त ब्लॉग आएंगे, तो फिलहाल अभी फटाफट खाना कम्प्लीट करते हैं, निकलते हैं। हम लोगों ने ऑर्डर क्या किया है, पराठे और मटन, तो पराठे और मटन हम लोग सबका, 5 लोगों का जो बिल है वो अभी तक फिलहाल 970 का है, और इसके बाद अगर बढ़ेगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन हाँ मटन एक प्लेट में 4 पीस आता है 255 का, और पराठे जो है एक पीस का 11 रुपये, तो खाने के बाद बताऊंगा कि क्या टेस्ट है क्या नहीं है, बट फिलहाल अभी खाना शुरू करते हैं क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों की लग रही है। गोलबाड़ी का वो ऑथेंटिक टेस्ट है। जो खाना पीना है वो डन हो गया है, धृति, राजा, प्रिंस, सोनाली, हम लोग सब निकल रहे हैं, एक ही रूट में जाएंगे, और वो लोग सीधा डनलप से निकल जाएंगे जोधपुर की तरफ, और मैं डनलप से लेफ्ट लेके सीधा हाईवे पकड़ूंगा, नेशनल हाईवे। अभी जो है रिफ्यूलिंग करा रहे हैं, और रिफ्यूलिंग कराने के बाद यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि बीच में कहीं रुकना है नहीं हम लोगों को, तो फटाफट निकलेंगे यहाँ से,
क्योंकि ऑलरेडी राजीव जो है पहुंच गया है और मैं ही हमेशा लेट होता हूं एज़ यूजुअल, तो इसका अवार्ड जो है मुझे ही जाना चाहिए। तो मैंने तेल लिया है 5 लीटर 523 रुपये। थैंक यू दीदी। अभी जा रहे हैं हम लोग, काफ़ी लेट हो चुके हैं एक्चुअली। हम लोगों का निकलने का बात था 3 बजे और हम लोग निकल रहे हैं 4:30 बजे के आसपास, क्योंकि मैं सीधा काम ख़त्म करने के बाद प्रिंस और मैं थे, तो फिर सोनाली धृति ये लोग सब आए, राजा आया, हम लोग गए थे गोलबाड़ी खाना खाने के लिए लंच के लिए। और क्योंकि हम लोगों का लंच का कोई प्लान नहीं था मेरा और राजीव का, हम लोगों का प्लान था शक्तिगढ़ जाना, वहाँ पे शक्तिगढ़ जा रहे हैं तो आप समझ सकते हो लैंगचा तो खाएंगे ही, तो लैंगचा खाएंगे, चाय वाय पियेंगे, थोड़ी देर बैठ के बातचीत करेंगे, अड्डा मारेंगे और उसके बाद हैंग आउट करेंगे, चले आएंगे। इधर जो सनसेट होने वाला है वो भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। लाइफ में लोग जब सेट हो जाते हैं ना तब फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है इधर उधर भागने की और इधर उधर जाने की, तब आप ट्रैवल करो कुछ भी करो, लेकिन हाँ आपके पास एक सेटल चीज़ है जिसके थ्रू आपके पास पैसे आ रहे हैं आपके पास, या फिर इतना इनफ पैसा है कि आपको सब कुछ मिल रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। वाह गंगा रिवर क्या लग रही है, एक्चुअली हुगली रिवर बहुत मस्त लग रहा है ये। मैं राजीव का वेट कर रहा हूँ, मेरे को लगा था कि राजीव पहले रुकेगा बट वहाँ पे नहीं रुका, बट मैंने उसको जब कॉल किया तो मुझे पता चलता है कि वो अभी तक बाली ब्रिज पे ही है, तो इसीलिए मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूँ ना, मेरे को खड़े होने में भी डर लग रहा है क्योंकि दोनों साइड से गाड़ियाँ आ रही है, एक इधर कट रहा है एक इधर कट रहा है, तो मैं एकदम डिवाइडर के बीचों बीच खड़ा हूँ और थोड़े सेफ जगह पे लेके खड़ा हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत काफ़ी प्रॉब्लम होगा खड़े होने में, तो इसीलिए मैं जहाँ पे खड़ा हूँ सेफ है, बट मैं राजीव का मेरे को वेट करना पड़ेगा, मिनिमम 3-4 मिनट वेट करना पड़ेगा, वो जल्दी आ जाएगा तो इसलिए वो आएगा और हम लोग निकलेंगे। राजीव जो है आ चुका है, वो सामने जा रहा है और मैं बस पीछे ही हूँ। मेरे को रुकना पड़ा इसलिए क्योंकि मेरा GoPro जो है हैंग कर गया था और मैं सोच रहा था कि रिकॉर्डिंग हो रहा है बट हैंग कर गया था, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए रुक के अभी बैटरी निकाला, बैटरी लगाया, वापस से GoPro जो है ऑन हो चुका है। खैर कोई दिक्कत की बात अब है नहीं, GoPro सेट, ऑल सेट। मैं चेक कर रहा था कि मेरा हेडलाइट जल रहा है या नहीं जल रहा है, इसीलिए मैंने स्विच ऑन कर दिया, क्योंकि BS6 में आप जैसे ही इग्निशन ऑन करते हो हेडलाइट भी ऑन हो जाता है, ये सबको मालूम है, तो मैंने क्या किया था कि एक अलग से स्विच लगा दिया था हेडलाइट का ऑन एंड ऑफ का, तो वो बेटर काम करता है। तो ये देख रहे हो डिवाइडर तो है, डिवाइडर को यू शेप में बनाया गया गड्ढे का टाइप का, लेकिन बीच में कुछ भी नहीं है, पीछे में था पेड़ पौधे थे, तो इसके वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन से जो लाइट आंखों पे पड़ती है ना प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो जो जितना सारा पेड़ पौधा है वो ऑब्स्टैकल का काम करता है, लेकिन जब नहीं होता है ना तो फिर वो सीधा आंखों पे पड़ती है, बहुत दिक्कत होता है बाइक चलाने में, खास करके रातों के टाइम पे। तो इसीलिए आप देखोगे जितने सारे मोटो व्लॉग्स देखोगे, लंबी राइड का वीडियोस देखोगे, सब मैक्सिमम राइडर्स 90% तो लोग रात को राइड करना ही अवॉइड करते हैं बिकॉज सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, तो इसीलिए लोग जो है वो अवॉइड करते हैं रातों को राइड करना। आप जब राइड करते हो ना आपके पास जब प्रॉपर राइडिंग गियर्स होता है ना तो और आप सेफ फील करते हो और आप अच्छे तरीके से राइड कर पाते हो कॉन्फिडेंट के साथ। मेरे पास राइडिंग पैंट है नहीं, गरीब है जी, ये देखो गरीब है, तो इसीलिए क्या करें, जींस पहन के ही राइड कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर में जैकेट ग्लव्स और हेलमेट है बस। बट हाँ गोलबाड़ी में जो खाना खाया ना आज वो काफ़ी बढ़िया था, बहुत सालों बाद तकरीबन 7-8 साल बाद मैं आज गोलबाड़ी में खाया हूँ तो काफ़ी बढ़िया लगा, और थैंक यू प्रिंस ट्रीट के लिए। GoPro का ना सिस्टम बहुत ही ख़राब है, बीच रास्ते में कब इसका बैटरी डेड हो गया मुझे पता भी नहीं चला। और ये एडिडास ये मैंने पहना आज पहली बार, और ये देखो देख रहे हो ये सब क्या निकला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे हुआ, तो एक बार जाऊँगा फिर भी कल, अगर नहीं कल तो जाना होगा नहीं, कल कहीं और जा रहे हैं हम लोग, तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में जाएंगे मंडे या ट्यूसडे को, तब बताएंगे जाके कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों किस लिए हो रहा है, क्योंकि मैं पहली बार पहना हूँ आज ही, और इसके पीछे मेरा ब्लॉग भी है, आई मीन जो कल रात का जो ब्लॉग है उसमें आप लोगों ने देखा है कि ये टैग के साथ था, तो खैर कोई बात नहीं। और जब आ रहे थे ना बहुत ज़ोरों की सुसु लगी हुई थी, तो उतरते ही पहले सुसु किया, और अभी राजीव बैठे बैठे मैंने जैसे बोला ना सुसु तो राजीव ऐसे किया, सुसु के साथ विद चाय मजा लो। तो फिलहाल अभी बैठ के चाय पियेंगे, चाय आ चुका हम लोगों का,
और धृति ने कॉफ़ी ऑर्डर किया है तो धृति कॉफ़ी पिएगी, तो उसका ऑर्डर कॉफ़ी का है। मेरा भी सेम हुआ है, पता है टी शर्ट पे मेरा भी ऐसे धागा निकल गया था थोड़ा हल्का। आपका भी निकला है? एक तो निकला था, मैंने ऐसे टांग के। ये तो और ख़राब करने पे तुली हुई है। फिलहाल जो है अभी चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद थोड़ा कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा देर बैठेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से। हम लोग इतनी दूर ना चाय और पकोड़ा के लिए आए हैं, सोच सकते हो 100 किलोमीटर दूर किस लिए आए हैं। ये रहा पकोड़ा, ये रहा चाय, तो आप समझ सकते हो कि हम लोग के पास पैसा ही पैसा है। तो ऐसा है कि राजीव के पास बहुत पैसा है, इसलिए पकोड़ा खा रहे हैं। अभी पहले खा लेते हैं, नहीं तो फिर राजीव जो जैसे थूक पड़ा है ना पूरा ही खत्म हो जाएगा, मेरे को नसीब भी नहीं होगा। और ये रे अंकल, इन्होंने बोलो की बोलते बोलो भेज पकोड़ा। हाँ क्या? हाँ क्या बनिए चाहे राणा बाबू? हाँ भेज पकोड़ा बनिए चाहे। अच्छा भेज पकोड़ा अच्छे, कॉफी अच्छे, गाजर अच्छे, बीट अच्छे, कच्चा लंका अच्छे, कैप्सिकम अच्छे, कच्चा लंका, बादाम, बादाम घंटा सुने लो, बादाम, कच्चा बादाम। तो अभी जो है पकौड़ा और चाय पीते हैं, उसके बाद तो यहाँ से निकलेंगे। मैंने एक चीज़ का आज पहली बार देखा, मैंने कभी ट्राई किया नहीं है। तो ये जो भैया निकाल रहे हैं ना, ये इसको बोलते हैं सीता भोग, मैं कभी खाया नहीं, तो भैया ने मुझे ट्राई करने के लिए दिया है। तो ये ट्राई करने के लिए दिया, थैंक यू भैया। और ये ट्राई करके देखता हूँ कैसा है कैसा नहीं है, अगर मेरे को अच्छा लगा तो मैं भी ले लूँगा थोड़ा। तो पहले खा के देखता हूँ कि कैसा है कैसा नहीं। फेमस है तो यहाँ का लैंगचा सच्ची में बहुत अच्छा है। यहाँ तीन टाइप का मिलता है, एक 8 का जिसमें खीर रहता है, एक 10 का जिसमें खीर नहीं रहता है सिर्फ साइज़ में बड़ा है, और एक 12 का उसमें खीर रहता है लेकिन उस 8 से साइज़ बड़ा है वो वाला। सो मैंने घर के लिए लिया। ये रहा मैंने, ये मेरा है, ये मैंने पैकिंग करवा लिया, इसमें सारा लैंगचा है। और ये राजीव लोग का है, उन्होंने भी लिया है। तो अभी राजीव सुबह और मेरे हस्बैंड मतलब तीनों ही गए हैं उधर, कुछ बात कर रहे हैं, राइड को लेके बात चल रही है। तो मैं सोची मैं थोड़ा ब्लॉक करके फिर जाती हूँ उधर। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ, तो चलते हैं जय साईनाथ। कोलकाता यहाँ से 90 किलोमीटर, आई मीन टोटल 92 किलोमीटर का राइड था, ज़्यादा बड़ा राइड नहीं था। और आने के टाइम का रास्ता बहुत अच्छा है, लेकिन जाने के टाइम का रास्ता उतना ही घटिया है। तो थोड़ा संभल के जाएंगे, क्योंकि घर जो है जाना है, सही सलामत पहुंचना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब। क्या ही बोलूं मैं, देख रहे हो जी कितने रास्ते ख़राब हैं, बाप रे बाप, संभल के भाई। भाई इस बाइक वाले के चक्कर में मेरे को सामने का रास्ता नहीं दिख रहा यार, मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया। मेरे को फॉग लाइट का कवर लेके आना चाहिए था, क्योंकि व्हाइट लाइट ना समझ में ही नहीं आ रहा रास्ते पे। पहुंच गया हूं और राजीव का कोई अता पता नहीं है, राजीव कहाँ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बहुत पीछे था और वो कब तक पहुंचेगा मुझे ये भी नहीं मालूम। मेरे को 5 मिनट हो गया पहुंचे हुए, तो मैं सोचा कि थोड़ा चाय पी लूँ, तो अभी तक मैंने चाय पिया नहीं, मैं उसका वेट कर रहा हूँ, वो आएगा, एक चाय पियेंगे और फिर घर के लिए निकलेंगे। तो देख लेते कब तक वो आता है, फिलहाल 5 मिनट तो हो गया हम लोग पहुँचे। तो राजीव जो है पहुँच चुका है और हम लोग निकल चुके हैं डानकुनी से। मैंने और राजीव ने 2 मिनट भी रुकने के लिए राजीव आया, जैसे ही आया हम लोग निकल चुके घर के लिए और अभी सीधा घर की तरफ ही जा रहे हैं। तो चलते हैं सीधा और मैं घर पे ही व्लॉग को एंड करता हूँ। हम लोग निकल चुके घर के लिए और अभी सीधा घर की तरफ ही जा रहे हैं। तो चलते हैं सीधा और मैं घर पे ही व्लॉग को एंड करता हूँ। मैं सोचा था कि घर पे व्लॉग एंड करूँगा, बट मैं तो भूल ही गया था कि राजीव जो है अपने घर निकलेगा,
तो उसको यहाँ पे बाय बोल देते हैं और फिर निकलते हैं घर के लिए। टाटा सावधानी जाओ। क्यों लो सावधानी जाओ। মাঝখানে একটা প্ল্যান হবে কিন্তু, হ্যাঁ হবে তো, তুমি বেরো আগে, তুমি বেরো। ঘর পৌঁছে কে বাদ না রাইড সে আগে সবসে আরাম সে সবসে আচ্ছে সে কোই রাতা হ্যায় আগে সবসে ইজিলি কোই রিল্যাক্স করতা না তো ও ম্যান ওই ইয়ে ঔরত জো হ্যায় जब राइट से आती है एकदम आराम से रिलैक्स करती है, सारा काम एडिटिंग करके बैठ कोई करो, फिर से बैक पेन, बट फिर भी करना पड़ता है आप लोगों के लिए। इसीलिए अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बुरा लगे तो भी लाइक कीजिए, बुरा लगे तो कॉमेंट कीजिए, अच्छा वाला अच्छा लगे तो और अच्छा वाला कॉमेंट कीजिए, बट कीजिए। और साथ में एक बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले। तो कल जो है ब्लॉग को फिर से बनाएंगे और फिर से सैटरडे को अपलोड करेंगे। तो कल हम लोग कहीं जा रहे हैं और कौन कौन जा रहा है, कितने लोग जा रहे हैं, सब बताऊंगा, बट वो कल के ब्लॉग में पता चलेगा। तो गाइज़ प्लीज़ अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ प्यार देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो कल मिलते हैं बढ़िया से किसी ब्लॉग में। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, बाय 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 बाय।